फाइटिंग, वो देख फाइटिंग, क्यों मार रही, क्यों मार रही है? ओ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नयन पार्ट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और सुबह सुबह नया और पार्थ ने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, सुबह सुबह आ गए घर पे बैलून, दोनों ने बैलून की जिद करी और दोनों के बैलून आ चुके हैं। बाहर आया था बैलून बेचने वाला और सुबह सुबह क्या लिया है देखो। इनकी जब से छुट्टियां पड़ी हैं स्कूलों की, इनकी डिमांडें बढ़ती जा रही है गाइस। कभी क्या कभी क्या, ये देखो दिल वाला। आपने क्यों नहीं लिया दिल वाला? तुम फाड़ तो देते हो गाइस, ये बच्चे फाड़ देते हैं, इनको क्या करेंगे बताओ। ये सस्ते वाले गुब्बारे सही नहीं है, फोड़ो और वो करो। अगर ये देखो कलर देखो इसका कैसे, इसका कलर देखो कैसा है, ग्रीन और क्या रेड, ये देख वो देख। तो गाइस बच्चों ने देखो गुब्बारे ले लिए और ये सो के उठ गए। नायरा बैठी यहाँ और पार्क घुस रहा है पापा के पीछे। ये देखो खेलो पापा, ये देखो गाइस इन्होंने ऊपर ऊपर छोड़ रखे है दीवारों पे, जब मन करता तब खींच लेते हैं उसको। पार्थ वाला दूर रखा हुआ है आपने? ये ना, किसका? पार्थ का है ये? अच्छा ग्रीन वाला पार्थ का है। ओ बाबा, पार्थ बैलून। तो गाइस देखो सुबह सुबह बैलून की मस्ती में लग गए हैं। ये देखो और ये पार्थ वहाँ पटा रहा चाचू को अपने, देखो बाहर निकलने के लिए। और गाइस यहाँ पर देखिए मोबाइल ठीक करने के लिए कौन कौन सी चीजें हो रही है, वो देखो हो गया ठीक। हाँ जी, तो गाइज ये है नायरा का बैलून एज यूजुअल पिंक कलर, जैसे आप सबको पता है नायरा को पिंक कलर पसंद है। कोई भी चीज हो पिंक, इसको साइकिल भी पिंक ही मिली है, देख लो है क्या बोल रहे हो? पिंक ली है। हाँ पिंक ली है, मतलब कलर पसंद है तभी तो पिंक कलर लिखी ली है, क्यों और भी कलर आते हैं। ये देखो गाइज अपनी साइकिल पे बांध रही है, सुबह सुबह शुरू हो गया। तो दूध पी लिया पार्थ? तेरा नहीं मारा, ओ देख फाइटिंग, ओ देख फाइटिंग, क्यों मार रही, क्यों मार रही है? ओ उसका ले लिया पार्थ, तेरा ये रहा बैलून, देख गाइस पार्थ का ये बैलून था, दूध पापा बांध देंगे। पार्थ ये बैलून आपका, ये वाला आपका, ये ले लो जल्दी लो, ये आपका है। दो मेरे को दे क्या उसको, बाकी लाइट जला दे जरा, लाइट जलाना नायरा, दिखाना इसको क्या कर रहा है ये, थप्पड़ खा ले सुबह सुबह, सारा दिन फाइटिंग करते रहा करो तुम दोनों, लाइट जलाना उधर की। देखो गाइस नायरा के बैलून बैलून टूटते टूटते बच गए सुबह सुबह, अभी यहाँ पर ना महाभारत छिड़ जाती दोनों के बीच में। हाँ जी बैलून, तो ये आपका बैलून है ग्रीन कलर वाला पातू, पिंक वाला मम्मा का है, पिंक वाला मम्मा का है पातू, वो टूट गई ना डांस देख, ओ देख देख नरक। पार्थ पार्थ दूध तो पी लो, पार्थ दूध 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 नहीं पीना, देखो बाहर चला गया, इसको बाहर जाने की पड़ी, चाचू खड़े गेट पे, रुक जा भी तू जाके देख। बेस्ती देखी मेरी, ये आपसे सीखी है सारी बेस्ती। तो गाइस हमारे घर में आपको हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनता ही मिलेगा। एक तो हमारा घर ऐसी जगह पे है जहाँ पर रोड चलती है, खिड़कियों से पूरी आवाज आती है, सब्जी वालों की, फ्रूट वालों की, कूड़े वाले की, देखो सारी आवाज आपको आएगी। तो गाइस यहाँ पर आपको आवाज आती रहेगी और यहाँ पर ये भी मैं देखो सुबह सुबह। हाँ जी मैं गाइस मैं सोचती हूँ लोग जो सेल्फी बना खींचते हैं, जो रील्स वगैरह बनाते हैं कैसे बनाते हैं, आज पता लगा ऐसे बनाते हैं, ये देखो मुझे आज भी नहीं आ रहा बनाना। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाते बनाते मैंने एक चीज देखी है और अभी इनको देखना, इसको देख देख के ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं कि मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ वीडियो में, अभी इनका ध्यान नहीं पड़ा है, ये देखना भी आप। इनको पता नहीं, और मैंने जब ये सीन देखा ना, मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ ये चीज, तो सामने से दिखाती हूँ मैं। करंट है ये, हंसेंगे नहीं गाने, इसको पता क्यों कर रही है, देखना
गाइस इन्होंने देख लिया है मेरे को। अब तो गाइस जान मुझ के हंसी निकालेंगे नहीं, अगर आ भी रही होगी ना फिर भी नहीं निकालेंगे, ऐसे इंसान है। देखो देखो आ रही है हंसी, आई आई हंसी आई, देखो हंसी आई, हंसी रोक ली गाइस इन्होंने। तो गाइस नाश्ता वाश्ता करके आरजे चले गए थे अपने काम पे, और नायरा बैठी है अपनी मासी के घर पे। पार जस्ट अभी सो के उठा है, आज जल्दी सो गया था क्योंकि जल्दी सुबह 6 बजे उठ गया था, इसको नींद आई थी और ये सो गया था। जस्ट अभी अभी उठा है, और इसके चक्कर में मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि ये सो रहा था, मैं डिस्टर्ब होगा इसको। और मैंने कपड़े प्रेस करने थे, लेकिन इस कपड़े प्रेस करने के लिए मुझे अलमारी खोलनी पड़ती, तो वो खोलती तो ये उठ जाता, इसलिए मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं किए। तो मेरा 2-3 काम रुके पड़े हैं, बस कपड़े को तय लगा के रखा है जो कपड़े कल धोए थे। गाइज अभी मेरा पाथु राजा उठा है, देखो पाथु जस्ट जस्ट अभी उठा है, जस्ट जस्ट ये पाथु राजा अभी भी उठा है। गाइज पाथु की दूध मॉर्निंग हो गई, दूध मॉर्निंग गाइज, दूध मॉर्निंग। पाथु हेलो कर दो गाइज, पाथु हेलो कर दो मेरे गाइज, पाथु पाथु का हेलो कर दो, पाथु हेलो कर दो मेरे गाइज, मेरी नोनी काकी को। तो देखो सीटी भी आ गई गाइज, सीटी आ गई कुकर में, कुकर बंद करना होगा जाके मेरे को, मैं कुकर बंद करती हूँ गाइज। और ये देखो कपड़े रखे हैं, दिखाती हूँ आपको, ये देखो गाइज कपड़े रखे हुए, इनको इनको अलमारी में रखना है और प्रेस करना है बाकी कपड़ों को, क्योंकि गर्मी के कपड़े निकाल लिए तो उनको प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर सीटी पे सीटी आ रही है, आई मम्मा आलू उबालने रखे थे तो अब सीटी आ रही है। देखो रसोई की लाइट भी नहीं जलाई मैंने, ओह पल्ले पास शोर शोर की उठा है, मैं गैस बंद कर लूँ। तो गाइस शाम हो चुकी है और दोपहर में आए थे गेस्ट, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया, और अभी शाम हो चुकी है तो चाय वगैरह बन रही है गैस पे। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, जो छोटी सी बेबी आई है घर पे, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं और ये उनके ट्विंस बच्चे हैं, ट्विंस लड़कियां हैं, तो दोनों सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। ये देखो ये बाहर जाने के लिए कर रही है, ये देखो कैसे कर रही है, मेरा फोन पकड़ दिखाऊं, फोन पकड़ियो बेटा, देखो गाइस देखो छोटी सी काकी आई है, छोटी सी काकी, छोटी छोटी काकी, हेलो कर दो, हेलो गाइस कर दो, हेलो कर लो, हेलो कर दो, कर दो हेलो गाइस कर दो, ओ लोई 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 लोई। तो गाइस पार्क बाहर है, और ये देखो मैं इसको इसको बाहर से ले आई, इसकी मम्मी के पास थी, इसको खेलने के लिए आई, नायरा जिद कर रही थी कि मैंने खेलना है, और नायरा भी खेल रही थी इसके साथ। तो गाइस ये देखो नायरा इसका खेल रही थी, अभी मेरे पास आई है, नायरा इसको चुप नहीं करा पा रही थी, कितनी क्यूट बेबी है ना, क्यूट क्यूट बेबी, अभी लाइट देख रही है, देखो है ना लाइट देख, लाइट बेबी जा चुकी है अपने घर पे, और नायरा और हम सबकी चाय वगैरह सब हो चुकी है, शाम की चाय वगैरह हमने पी ली। तो गाइज अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, 2 दिन से सोच रही हूँ कपड़े प्रेस करने का, दोपहर में पार्स हो गया था तो प्रेस रह गई, तो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और नायरा मेरी कैमरामैन बनी हुई है क्योंकि मैं बिजी थी काम में, क्योंकि वो बन नहीं रही थी, मैंने बनवाया उसको कि कैमरा पकड़ ले मैं ब्लॉक कर लूँ थोड़ा। और यह पार पी रहा दूध, ये देखो पाथु राजा मेरा दूध पी रहा, आज शांत हो रहा है तभी मैं प्रेस हो पा रही है मेरी गाइज, वरना ये अफलान तू है प्रेस भी नहीं करने देता मेरे को। तो गाइज मेरे आधे कपड़े यहाँ पर रखे हैं, थोड़े बहुत कपड़े ये थोड़े बहुत अलमारी में, अब एक साथ तो सारे प्रेस होंगे नहीं, थोड़े थोड़े करके करूंगी वरना थक जाएंगे। तो गाइस प्रेस कर लूँ, गर्मी हो गई है, अब गर्मी में ये दिक्कत है, कॉटन के कपड़े निकालो और प्रेस करो, सर्दियों में तो जरूरत नहीं होती, सर्दी में मोटे मोटे कपड़े होते हैं गर्म वाले, अब गर्मियों में प्रेस भी करो लेडीज के, अब जेंट्स के, पापा के, मम्मी के, बच्चों के, सबके कपड़े प्रेस होते हैं, ये अलग घंटा बढ़ जाता है घर में काम का, वैसे गर्मी में वैसे गर्मी में इतने काम होते हैं, ऊपर से की प्रेस का काम भी और बढ़ जाता है। और देखो नायरा हंस रही है कैमरामैन बन के गाइस, ओए हाय हंसी आ रही है, हाय हाय कर रही है, मम्मी कैमरा पकड़ो, अब ये नहीं पता गाइस मुझे कि ये वीडियो शूट हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरामैन थोड़ा ना बच्चा है, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कैमरा में वीडियो बन भी रही है या फिर हंसी रही है पीछे पीछे। तो गाइस आपके घर में भी ऐसी होता होगा कि गर्मियां शुरू हो गई है, आपकी मम्मी आपकी बहन है या फिर आप खुद भी प्रेस करते होंगे जो ड्यूटी पे जाते हैं बच्चे। तो गाइस मैं प्रेस वगैरह कर लूँ फिर आपसे मिलते हैं। और नायरा ने अभी पापा से मंगाया है चाप, चाप पापा से ऑर्डर करी, पापा चाप भिजवा दो घर पे, तो पापा जी चाप भिजवाएंगे, जो लात मार रहा है पीछे से गंदा बच्चा,
तो गाइस प्रेस कर लेते हैं वरना लाइट चली जाएगी। अब गर्मी शुरू हुई है तो लाइट कभी भी जा सकती है, इसलिए प्रेस करनी पड़ेगी। फटाफट काम खत्म कर ले फिर आपसे मिलेंगे गाइस। तो फाइनली गाइस कपड़े हो गए प्रेस और मैंने सारे तो नहीं करे, थोड़े बहुत करे, क्योंकि मैं अगर सारे करती तो आधी रात हो जाती, क्योंकि गर्मी के सारे कपड़े मेरे हस्बैंड के बच्चों के तो बहुत दिक्कत हो जाती, इसलिए थोड़े से कपड़े करे, थोड़े कल करूंगी, थोड़े फिर शाम को करूंगी, थोड़े थोड़े करके सारे काम हो जाएंगे। और तो गाइस रात के 8 बज रहे हैं और दाल उबालने रखूंगी, दाल बनाते हैं आज, दाल फेवरेट है आरजे की, तो दाल बनाते हैं। दोपहर में आलू शिमला मिर्च बनाई थी, अब दाल बना लेते हैं। और काली पीली दाल जिसको आप लोग शायद माँ की दाल कहते हैं वैसे, तो काली पीली दाल उबालने रखती हूँ और वही तड़का लगाएंगे, वही सब्जी खाएंगे, सब्जी दाल और रोटी मतलब खाएंगे साथ में। बच्चे गए हैं बाहर अभी दुकान पे सामान लेने के लिए, तो गाइस मैं दाल बनाती हूँ और दाल रेडी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस रात का खाना हो चुका है और नायरा और मैं आए हैं बाहर साइकिल चला के। देखो नायरा ने थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाई है लेकिन अभी आधी साइकिल चलाती है, आधी कैंची वाली। तो अंदर करो सो नायरा, धीरे 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 करो, धीरे धीरे अंदर कर, फटाफट कर बेटा, ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो गाइस देखो साइकिल अंदर करेंगे और ये हम घूम के आए हैं, हमारी सैर भी होगी और नायरा की साइकिल चलाना भी हो गया, दोनों काम हो गए। नहीं आ रही आगे, पहिए उधर बैठे ना। अच्छा आओ आओ, एक साइकिल, इसके पहिए मम्मी ने मेरी साइकिल अंदर रख चुकी है। नारा ने साइकिल चला रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। हाँ। सेकंड डे था, धीरे धीरे नारा साइकिल चलानी सीख जाएगी और अच्छे से, है ना नायरा। हाँ। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट दीजिए और हम भी आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट कीजिए हमें गाइस। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।